जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मैं डिस्कशन कर रहा था कि आज मुझे मेथड ऑफ ज्वाइंट के ऊपर बात करनी थी, कैसे हम लोग किसी ट्रसेस के मेंबर के ऊपर उसके फोर्स, उस मेंबर पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने मैथड ऑफ ज्वाइंट के ऊपर बात करूंगा। मैथड ऑफ ज्वाइंट एक मैथड है मेंबर्स ऑफ फोर्स को निकालने के लिए। तो इसमें देखिए एक फिगर है, इस फिगर में आप इमेजिन करिए एक ट्रसेस है और इस ट्रसेस पे आपके इसमें करना क्या होगा। बेसिकली एक ट्रसेस है जो यहां पे सपोर्टेड है, यहां सपोर्टेड है और इसके ऊपर लोड लग रहा है। सो पहला जब हम लोग एजम्पशन लेते थे वो ये लेते थे ट्रस के ज्वाइंट पे ही फोर्स लगेगा, ट्रस के ज्वाइंट के ही ऊपर हमारे सारे फोर्स लगेंगे और सपोर्ट रिएक्शंस हमारी होंगी। तो पहला जब मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात करेंगे या मेथड ऑफ सेक्शन की बात करेंगे तो उसमें एक कॉमन है कि आपको सबसे पहले उस जिस ट्रसेस के मेंबर्स निकालने हैं, मेंबर्स के ऊपर फोर्स निकालने हैं, उसके ऊपर आपको उनकी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, आर ए और आर बी। चलिए पहली चीज है हमें रिएक्शन निकालनी है। तो स्टेप वन मैं लिखता हूं कि आपको क्या निकालनी पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्टेप वन क्या करना है, स्टेप वन आपको फाइंड द रिएक्शन, फाइंड द रिएक्शन। और रिएक्शन कैसे फाइंड होती है ये हमने वीडियो 3 और 4 में आपको बता रखा है कि ट्रसेस में रिएक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री के रूल को लगा के मूवमेंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तीन कंडीशन, आपके समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेज अभी तो है नहीं कहीं पे इसलिए हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उस तरह की बात हम लोग कर लेंगे, एंड द मूवमेंट एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। इस पे लगा के हम लोग रिएक्शन निकाल चुके जिसको बहुत तरीके से आपको समझाया गया है। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, हम एक एक ज्वाइंट की बात करेंगे, एक एक ज्वाइंट, एवरी ज्वाइंट पे बात करेंगे। जैसे मैंने ऊपर एक फिगर दिया है, ऊपर एक फिगर दिया, मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो यहां पे कितने ज्वाइंट है, यहां पे 3 ज्वाइंट है। वेरी गुड, यहां पे कितने ज्वाइंट है, यहां पे 3 ज्वाइंट है बेटा। और इन 3 ज्वाइंट में सबसे पहले आपका क्या काम है, रिएक्शन निकालना। जब मैंने रिएक्शन निकाली तो एक की रिएक्शन एक आ रही है और दूसरे की भी रिएक्शन एक आ रही है, ये तो मिल गया। तो तुम्हारा पहला वाला तो स्टेप पूरा हो गया। दूसरा वाला स्टेप है ज्वाइंट पे चलो, हर ज्वाइंट पे आओ। तो जब तुम एक जगह पे होते हो, जैसे इमेजिन करो जब तुम यहां पे बैठे हो तो तुम्हें दूसरे जगह की सूचना तब मिलेगी जब तुम पूछोगे, दिखेगा नहीं। तो उसी तरीके जिस ज्वाइंट पे बैठे हो उस जगह की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जैसे ये इस ज्वाइंट पे ए पे बैठा है तो यहां पे बैठा है, इसको क्या दिखेगा, जो इसको नेकेड आइज से दिख रहा है, इसको एक भुजा ये दिखेगी, एक भुजा ये दिखेगी, इसको जो मेंबर दिखेंगे वो ड्रॉ कर देंगे हम, और जो नहीं दिखेगा वो नहीं ड्रॉ करते मेरे बाबा, इसको नहीं ड्रॉ करेंगे कभी भी। क्यों, तो हमें 3 से 2 वाला मेंबर नहीं दिखेगा क्योंकि ये बैठा यहां पे है, तो इसके घर की कहानियां इसको दिखेंगी। जिस तो सीधा सीधा वर्ड है, जिस पॉइंट पे जो जो कनेक्ट है मेंबर उसको बस लेते हैं। ए पे कौन सा मेंबर कनेक्ट है, ए पे कनेक्ट है 3 वाला और ए पे कनेक्ट है आपका 2 वाला। अब आपकी दूसरी चीज, एरो कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे एरो डिफाइन करते क्योंकि हमें फोर्स के 2 वैल्यू होते हैं। आपको मालूम फोर्स 2 तरीके से आपके लगाया जा सकता है, आपके एक तो होता है या तो आप टेंसाइल फोर्स लगाइए और या तो कंप्रेसिव फोर्स लगाइए। इसमें आप देखिए, जब कोई मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा एक कोई स्पेसिमेन है और जब हम इसमें दोनों तरफ से इसको घसीटेंगे, दोनों तरीके से इससे घसीटेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल फोर्स लगेंगे दोनों तरफ, इधर भी 5 न्यूटन का तो इधर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स घसीटेगा दोनों बाहर की तरफ। इस तरह का जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। तो इनके एरो देखिए, ये मान लीजिए है तो इधर को एक एरो गया फोर्स का और इधर, और फोर्स दोनों के फोर्स के वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो दिस टाइप ऑफ द एरो, इनके एरो क्या है, ये बाहर की तरफ एरो रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज अ टेंसाइल। इसमें क्या होता है, लेंथ बढ़ती है। जब हम 5th यूनिट पे चर्चा करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन पे तब बहुत अच्छी तरीके से यहां पे जिक्र होगा इनका। जब मैं इन्हीं इसी डब्बे को, इसी ब्लॉक को मैं क्या करूंगा, दबाऊंगा फोर्स से,
जब मैं इसको दबाऊंगा, एक्सक्यूज करूंगा, जब मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा कि इस पे जो पर इस तरह का जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द कंप्रेसिव फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द कंप्रेसिव फोर्स। आप देखिए लॉजिक की बात, जब आप तुम्हें यह देखना है, जब तुम्हें जिस मेंबर में, एक एक स्टेप देखिएगा बिल्कुल क्लियर से, स्टेप वन फाइंड द रिएक्शन, स्टेप टू ज्वाइंट, स्टेप थ्री आपको यह देखना है कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। तो डायरेक्शन लेने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए आपको क्या करोगे बेटा, डायरेक्शन लेने के लिए आप ये देखोगे कि जिस पे डायरेक्शन मालूम है, मान के चलो इस मेंबर पे लोड कितने का लग रहा है, दो का, कितने का लग रहा है, दो का। सो दो का मेंबर नीचे की तरफ लग रहा है, दबा रहा है इसको, इस मतलब यानी ये मान लो ये है, यही मेंबर हुआ एक से दो के तरीके, ये देखिए मेरे स्क्रीन पे एक से दो इस तरह हुआ, खड़ा है बिल्कुल, और इसके ऊपर इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे दो का दबा रहा है। तो दबा रहा है इसका मतलब एरो अंदर की तरफ। क्या ए से बी की तरफ कोई लोड दिख रहा है ऐसा कुछ? ए पॉइंट पे लोड ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ए से दो की तरफ नहीं लग रहा है, और दो पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए कोई लोड नहीं मालूम है, मेरी रिएक्शन है ये, एक तो इनकी ऊपर की तरफ लग रही है। सो हमें ये पता चला कि ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन किसके कारण आ रही, इस दो किलो न्यूटन के कारण एक एक की रिएक्शन निकल रहा है, इसलिए पता चला एक इस मेंबर पे हमें फोर्स नहीं, जिस मेंबर पे हमें फोर्स नहीं मालूम होता है उसको बाहर की तरफ एलो रहे। इसका मतलब इसको हमने एजम्पशन में माना है कि ये टेंसाइल है, और जिसका मालूम है, मान लो ये बाहर की तरफ दो किलो न्यूटन का लगता है तो इसके ऊपर एरो बाहर की तरफ होता। तो मतलब सीधा लॉजिक है, ज्यादा कंफ्यूजन से अच्छा, कि आपको जिस मेंबर पे लोड मालूम है आप उस जगह क्या करेंगे, आप उस जगह उसके लोड का साइन प्लॉट कर देंगे, कंप्रेसिव या टेंसाइल। कंप्रेसिव है तो अंदर की तरफ आते हुए लगेगा, और जिस जगह नहीं मालूम है तो आप टेंसाइल कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, आप यहां पे आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो तीसरा स्टेप स्टेप फोर आप करेंगे क्या, स्टेप फोर यहां पे इक्विलिब्रियम लगाएंगे, और यहां इक्विलिब्रियम लगाएंगे इट्स मीन यहां पे आप हॉरिजेंटल फोर्स जीरो करेंगे सारे इसी फ्री बॉडी डायग्राम पे, और इसी फ्री बॉडी डायग्राम पे वर्टिकल फोर्स जीरो करेंगे, और इसी फ्री बॉडी डायग्राम पे आप सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। फिर जैसे ही यहां पे आपके मेंबर का फोर्स निकल आएगा तो आप दूसरे ज्वाइंट पे बढ़ेंगे, तो आप किस ज्वाइंट पे बढ़े, ज्वाइंट दो पे आ जाएंगे, ज्वाइंट दो पे आ जाएंगे, फिर वही चारों स्टेप हम करेंगे। क्या करेंगे, यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सॉरी यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो जो हमें दिखा वो लिख दिया, ये दिखा ये दिखा। अब मान लो कि तुम्हारा एक से दो वाला फोर्स तुम्हें पता चल गया कंप्रेसिव है, एक से दो वाला फोर्स तुम्हें पता चल गया कंप्रेसिव है, तो तुम क्या करोगे, कंप्रेसिव का एरो इधर अंदर की तरफ होता है जहां से स्टार्ट होता वहां पे, और मान लो टेंसाइल होता तो एरो क्या कर देते, बाहर की तरफ, जो तुमने इमेजिन किया वही बाहर की तरफ लगता। और दो के कारण इस पे क्या होगा, अब थ्री से टू से थ्री एक मेंबर पे दो के कारण लोड भी दबाया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अंदर की तरफ कंप्रेसिव। और फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखिए इसी चीज को हम एनालिसिस करते हैं विद दिस न्यूमेरिकल। अब हम ये न्यूमेरिकल की तरफ बात करते हैं। मैंने कहा एक ट्रसेस है ए बी सी एज शोन इन द फिगर हैज अ स्पेन 15 मीटर, उसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, इट कैरिंग अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, इट एपेक्स सेंट फाइंड द फोर्स इन द मेंबर, फोर्स निकालना है, रिएक्शन नहीं बोला है, कोई गलती ना करे कि रिएक्शन निकाल के, रिएक्शन तो अब तो निकालनी ही पड़ेगी लेकिन साथ साथ तुम्हें फोर्स भी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कोई मेथड नहीं बोला, तो आप मेथड ऑफ ज्वाइंट को उठा लीजिए जो मैंने भी कहानी बताई मैंने। चलिए ये आपका फोर्स है, इस फोर्स पे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, फाइंड द रिएक्शन। हमें क्या करना होता है, पहले तो ये समझिए क्वेश्चन में, ट्रसेस के क्वेश्चन में पहले रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकालने के बाद आपकी रिएक्शन निकल गई, आप एक एक ज्वाइंट के ऊपर बढ़िए, आप जिस ज्वाइंट पहले ज्वाइंट को लेंगे उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आपको फोर्स का डायरेक्शन मालूम है, जैसे इसमें मैं कराऊंगा तो आपको ये देखना है उस पे फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव तो एरो अंदर की तरफ, नहीं फोर्स मालूम है क्योंकि फोर्स तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आप अपने मन से एरो मान लीजिए कि टेंसाइल फोर्स है, मान लीजिए टेंसाइल है, जब मान लो वैल्यू निगेटिव निकल के आता है हम एरो चेंज कर देंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम एरो बता देंगे कि यहां का माना हमने कंप्रेसिव टेंसाइल था लेकिन वैल्यू निकली है कंप्रेसिव, इट्स मीन मैंने जो एरो माना था वो गलत माना था, मान लो वो वैल्यू पॉजिटिव निकली तो इसमें जो मैंने एरो माना है वो पॉजिटिव निकला है, तो एजम्पशन पे बेस पे हम लोग काम करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को,
इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन में। तो ये मैं